नमस्कार साथियों, तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को, शिक्षा की बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो 2011 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या बताएं तो प्रारंभिक हैं 83,412, माध्यमिक विद्यालय हैं 28,479, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 12,121, कुल महाविद्यालय हैं 405, तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं 270। प्राथमिक शिक्षा राज्य में 1,05,592 से अधिक प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं। शिक्षा गारंटी योजना 1997 से लागू है मध्य प्रदेश में, याद रखिए। शंखनाद योजना आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने की यह महत्वाकांक्षी योजना है, शंखनाद योजना। पर पढ़ना बढ़ना योजना, तो वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश शासन ने पढ़ना बढ़ना योजना शुरू की थी। प्रे स्कूल चले हम अभियान, साला की दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने यह अभियान 2009-10 से शुरू लागू किया है। ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में 2008 में स्थापित किया गया। जबलपुर में पशु चिकित्सालय विद्यालय 2010 में जबलपुर में पशु चिकित्सा विद्यालय स्थापित किया गया। देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रथम कुलपति थे इसके श्री मोहनलाल छेपा। आगे बात करते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। विश्वविद्यालय ये कुल है 18, दो केंद्रीय, 16 प्रांतीय, 14 शासकीय और एक अर्ध अशासकीय। इनमें से 5 विश्वविद्यालय अकेले भोपाल में है जबकि 2 हैं जबलपुर में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है सागर में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में, याद रखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है, अमरकंटक अनूपपुर में। चिकित्सा विद्यालयों की बात करें तो 6 मेडिकल हैं और 2 वेटनरी हैं, एक दंत, एक यूनानी, एक होम्योपैथिक, 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 5 अशासकीय मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो प्रथम मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 1946 में बना। गजराजा राजे राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, याद रखना। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय जबलपुर में है। एस एंड मेडिकल कॉलेज रीवा में है। गांधी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय सागर में है, 2008 में स्थापित हुआ। वेटनरी कॉलेज राज्य में 2 वेटनरी कॉलेज हैं, एक जबलपुर में दूसरा महू इंदौर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं आयुर्वेदिक महाविद्यालय 7 हैं जो ग्वालियर जबलपुर रीवा इंदौर बुरहानपुर उज्जैन, 2 निजी महाविद्यालय भी कार्यरत हैं। डेंटल कॉलेज की बात करें तो एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज इंदौर में है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज 11 हैं। राज्य में 19 होम्योपैथिक कॉलेज हैं जिसमें से एक ही शासकीय है, बाकी निजी है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय ये बुरहानपुर में है। नर्सिंग महाविद्यालय राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में।
चिकित्सालय मध्य प्रदेश में 3 कैंसर हॉस्पिटल हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। ठीक है, मानसिक मानसिक चिकित्सालय की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 मानसिक चिकित्सालय हैं, एक इंदौर बाणगंगा, दूसरा ग्वालियर। मध्य प्रदेश में दिल्ली स्थित एम्स के अनुरूप उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा से युक्त राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई है। याद रखिए, राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश में 64 इंजीनियरिंग कॉलेज और 27 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें तो 8 हैं। सर्वप्रथम जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर में कार्यरत है, जबकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जबलपुर में प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य राज्य शासन ने इस संस्थान की स्थापना साहेबपुरा झील भोपाल में कुछ दूरी पर 1995 में की थी। अभिनव योजना अभिनय अभिनय अभिनव राज्य में उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की योजना है। अब यही बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख संस्थानों की। तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में एक यह एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। अब इसे डीम्ड विद्यालय का दर्जा देकर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का नया नाम दे दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? महू में। यह सामाजिक विषयों से शोध पर पाठ्यक्रम संचालित करता है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये दिल्ली के राज्य में 8 केंद्र, इंदौर, भोपाल पहला केंद्र 1887, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, बैतूल, सतना, सागर है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट ग्वालियर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी ग्वालियर में। याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट ग्वालियर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर में। प्रमुख तथ्यों की बात करें, जुलाई 2008 में महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना उज्जैन में की गई थी। कौन सा? महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? उज्जैन में। कब? तो जुलाई 2008 में। महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? मोहन गुप्ता। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर में है। राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ की स्थापना देवी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में की गई। इंदौर, याद रखिए, इंदौर देश का एकमात्र स्थान है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में दोनों संस्थान हैं। इंदौर देश का एकमात्र स्थान है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 दोनों संस्थान स्थित है। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय आदिवासियों में विचलित प्राचीन ज्ञान भंडार को शोध एवं अनुसंधान के जरिए प्रामाणिकता प्रदान करने की पहल के तहत एशिया के पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना अनूपपुर के अमरकंठक में 2008 में स्थापना हुई थी इसकी।
विस्थापित पीठ की बात कर ले तो आदि शंकराचार्य पीठ ओंकारेश्वर में विस्थापित है, परशुराम पीठ जानापाव में, महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में। अब बात करते हैं आगे अन्य प्रमुख तथ्यों की। तो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। मुक्त विश्वविद्यालय में 15 देशी 13 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की सुविधा है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। देश में एकमात्र भारतीय सूचना संस्थान इलाहाबाद में है। ऐसे दो संस्थान जबलपुर कांचीवरम में प्रस्तावित हैं। ठीक है, यूएनडीपी और विश्व बैंक दोनों ने शिक्षा गारंटी योजना को विकास का कामयाब अंतर्राष्ट्रीय मॉडल माना है। राज्य में 5 सृजन पीठ स्थापित हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यही मध्य प्रदेश के विद्यालयों के बारे में, कहाँ कहाँ है विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय हो गए, इनकी स्थिति हो गई और स्थापना वर्ष हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। फिर हमारा दूसरा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई जबलपुर में है। इसकी स्थापना हुई 1957 में। फिर हमारा तीसरा विक्रम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना उज्जैन में हुई और इसकी कब हुई 1957 में। फिर जीवाजी राव विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना ग्वालियर में हुई 1964 में। फिर देवी अहिल्याबाई, यह इंदौर में, इसकी स्थापना 1964 में हुई। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, ये जबलपुर में भी है और रीवा में, तो ये जबलपुर वाले को देख रहे होंगे। इसकी स्थापना हुई 1964 में। फिर है अवधेश विश्वविद्यालय रीवा वाला, इसकी स्थापना हुई 1968 में। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना हुई भोपाल में, कब हुई 1970 में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल में है, इसकी स्थापना हुई 1991 में। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट में, सतना में, 1991 में इसकी स्थापना हुई। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में है, इसकी स्थापना 1991 में हुई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भोपाल में है, इसकी स्थापना 2000 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना अमरकंटक अनूपपुर में हुई 2008 में। संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, ग्वालियर में, इसकी स्थापना 2008 में हुई। महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी उज्जैन में है, इसकी स्थापना 2008 में हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। महर्षि पढ़नी देख लिया था, उज्जैन 2008 में हुई। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, 2008 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय विधि संस्थान, ये भोपाल में है। महेश योगी विश्वविद्यालय आशासकीय विश्वविद्यालय नेपियर टाउन कटनी, ये जबलपुर में है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में है, 2011 में इसकी स्थापना हुई। हिंदी विश्वविद्यालय, ये भोपाल में है, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। बौद्ध विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई सांची में 2012 में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों के बारे में। तो पहला है हमारा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, तो ये जबलपुर में है, याद रखना, पहला कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर में है। फिर एक दूसरा एक कृषि महाविद्यालय जो इंदौर में है। तीसरा कृषि महाविद्यालय, ये ग्वालियर में है। RSK कृषि महाविद्यालय सीहोर में है।
कृषि महाविद्यालय अगला मंदसौर में है, कृषि महाविद्यालय रीवा में है, कृषि महाविद्यालय अगला खंडवा में भी है, कृषि महाविद्यालय गंज वासौदा विदिशा में है, उद्यान की महाविद्यालय कहाँ है, मंदसौर में। ठीक है, तो ये थे हमारे शिक्षा से संबंधित तथ्य मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में।